जब अपने लिए कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है और दूसरों को कहा पैसे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, ऐसे। तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं विजुअलाइज करो दो लोगों की गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं।, नहीं तो क्या होगा सामने वाला कहेगा आप साइड हो जाओ सामने वाला मेरा कंट्रोल में नहीं है आप साइड हो जाओ दिस इज हाउ we कम होम इन द इवनिंग हम शाम को घर आते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं तो क्या होने वाला है सिर्फ एक की गाड़ी कंट्रोल में चाहिए और एक्सीडेंट कभी नहीं होगा दोनों की नहीं चाहिए दूसरे की ब्रेक फेल हो गई हो स्टीयरिंग काम ना कर रहा हो सब कुछ जैम एक की अपने कंट्रोल में होगी ना तो वो लेकिन दोनों ही कहेंगे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं तो तो बातों की जरूरत ही नहीं है बिना बात के ही एक्सीडेंट होता रहेगा सारा दिन आज हमारे को प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए हम तो बिना बात के गांठे बनाकर बैठे हुए हैं लगता है कि नहीं और एक बार छोटी सी गांठ बन गई तो उसको खोलने की बजाय गांठ पे गांठ पे गांठ पे गांठ आप रेडी है गांठ को खोलने के लिए किस किस के पास गांठ है कोई बनी हुई फिर संडे सुबह मॉर्निंग निकाला है तो कुछ बड़ा काम तो आज करना ही चाहिए ना नहीं तो सुबह सुबह क्यों आए गांठे कहाँ होते हैं गांठ कहां है गांठ कहां है तो जब हम कहते हैं ना रिश्ते में गांठ है तो रिश्ते में गांठ नहीं होती है गांठ यहाँ है कितने लोग चाहिए उस रिश्ते को ठीक करने के लिए मेरी प्रॉब्लम इनके साथ है ठीक है तो मुझे भी प्रॉब्लम है इनको भी प्रॉब्लम है अभी गांठ बन गई एनर्जी की कैसे गांठ बनी मैंने भी नेगेटिव सोचा इन्होंने भी नेगेटिव सोचा मैंने भी सोचा इन्होंने भी सोचा कई दिनों से सोचा हो सकता है कई सालों से सोचा तो जब दो सोल्स एक दूसरे को वो एनर्जी दे रही होंगी तो दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसका फाउंडेशन क्या है नेगेटिव एंड नॉट जस्ट नेगेटिव वेरी पावरफुली नेगेटिव अब आप दोनों को पता है कि हमारे बीच ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी हमारे रिश्ते के लिए कौन सी थॉट क्रिएट करते हैं क्या कहते हैं आप आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे इनकी इनकी आपस में बनती नहीं अब आप विजुअलाइज करो पहले हम दो लोगों की नेगेटिव थॉट हम दोनों ने इतना पावरफुल नेगेटिव क्रिएट कर लिया ऊपर से जितनों जितनों को पता चला उन्होंने भी उसके ऊपर क्या दे दिया एक स्टैंप दे दिया इनकी आपस में बनती नहीं कोई और तो उससे भी ज्यादा देता है इनकी कभी बनेगी ही नहीं देते हैं कि नहीं हम तो ये एक पिट है जिसमें मैंने भी नेगेटिव डाला इन्होंने भी डाला मैंने भी डाला इन्होंने भी डाला तो अपने आप में पहले ही ये काफी काला हुआ हुआ है ऊपर से जितनों जितनों को पता चला उन्होंने भी क्या कर दिया काला डाला काला डाला काला डाला तो कितनी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो गई है अब कितने लोग चाहिए इसको ठीक करने के लिए कितने चाहिए एक रिश्ते को ठीक करने के लिए जो बहुत बहुत सालों से काला हुआ हुआ है सिर्फ एक से हो जाएगा काला तो सबने बनाया मिलके एक वाइट कर लेगा उसको बाद में कब बाकी वाइट करेंगे वी डोंट नो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू फील के एक के करने से हो जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू फील दो को करना पड़ेगा हाउ मेनी ऑफ यू फील सब को करना पड़ेगा चलो एक ऑप्शन तो आउट हुआ क्योंकि सबकी वेट करेंगे तो, तो फिर वो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा ना जब एनर्जी ब्लैक क्रिएट हुई एक ने भेजा दूसरे ने उसको कैच करके अनअवेयर सेम भेजा फिर मैंने फिर भेजा फिर उन्होंने फिर भेजा फिर सब ने भेजा स्टार्ट कहाँ से हुआ था स्टार्ट कहाँ से हुआ था एक की एक थॉट से अगर उस दिन मैंने एक थॉट भेजी होती या एक वर्ड बोला होता या एक व्यवहार किया होता जो ब्लैक था लेकिन इन्होंने उसके रिटर्न में वाइट किया होता तो उसी दिन पहली बात गांठ बनते नहीं तो जहां जहां अभी गांठे नहीं है पहले तो वो वाला ध्यान रख लेना कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा सोचे कुछ ऐसा बोले कुछ ऐसा व्यवहार करे जो एनर्जी राइट नहीं है तो हमें उसकी एनर्जी को कॉपी नहीं करना है हमें कौन सी एनर्जी भेजनी है अब ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है पक्का पक्का हाँ ईगो क्या करेगा ईगो करेगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ईगो नहीं होता नॉर्मली रिश्तों में हर्ट हो जाता है उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं की ये हर्ट भी क्रिएट किया तो हमने ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की ये थॉट भी क्रिएट किया तो हमने ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया अब आज से अटेंशन सामने से कोई भी कलर की एनर्जी आ रही हो मुझे कैसी थॉट क्रिएट करनी है सपोज़ आपका बच्चा आपकी बहू बेटा सुबह सुबह आए तैयार होकर बाहर जाने के लिए लेकिन नमस्ते ही नहीं किए आपकी तबीयत ठीक नहीं थी आपका हालचाल भी नहीं पूछा बस ऐसे ही निकल गए घर से ये कोई बात भी नहीं है छोटी सी बात है अब उसके बाद सारा दिन कैसा सोचना है कैसा सोचना अगले दिन सुबह तो 24 घंटे के बाद आएगी उस दिन कैसा सोचना है तो नहीं सोचेंगे ना हम फिर कुछ पे वॉट इज नॉर्मल लेकिन विश भी कर सकते थे जाने से पहले आई कुड हैल्सो विश्ड हर वेरी गुड ये भी चॉइस थी और विश तो हम कर भी देंगे विश तो हम कर भी देंगे इम्पोर्टेंट है हम अंदर से क्या सोच रहे हैं रिश्ते बोल में नहीं बनते हैं रिश्ते व्यवहार में नहीं बनते हैं रिश्ते हम जो सोच रहे हैं अंदर उसमें बनते हैं अब हमने ऊपर से स्माइल कर भी दिया कह दिया कोई बात नहीं हमने ही ऊपर से विश कर दिया लेकिन अंदर से हमने अगर सोचना शुरू किया इतना भी नहीं कर सकते थे वो छोटे हैं बच्चे इतना भी मैनर्स नहीं आता मेरा बेटा भी ऊपर से कुछ नहीं कहता है इसको अच्छा जब बेटा होता है ना सामने तब तो कर देती है जब वो नहीं होता तब नहीं करती है फिर हम सिर्फ उस तक नहीं रहते उसके मम्मी पापा तक भी चले जाते हैं क्या सिखा के भेजा फिर हम उन तक भी नहीं रहते हम पूरी दुनिया में चले जाते हैं आजकल के बच्चे ही देखो कैसे हो गए हैं। सी वेयर द माइंड कैन ट्रेवल अब ये सारी जब थॉट्स क्रिएट की तो ये किस तक पहुंच रही हैं ये है वो वाइब्स जो पहुंच रहे हैं अब ये सारी वाइब्स पहुंच गई लेकिन जब वो शाम को घर आए हमने बहुत प्यार से बात की रिश्ता ठीक हो जाएगा रिश्ता ठीक हो जाएगा उस आत्मा को पूरे दिन आपसे वो एनर्जी मिली है जैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहो ना टक 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 ऐसे थॉट्स भी ऐसे जाती रहती हैं टोक तो पूरा दिन हमने उसको भेजा आप ऐसे, आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे हो उस दिन भी ऐसे किया था हर बार ऐसे करते हो बार बार ऐसे करते हो बेटा भी कुछ ये सारा दिन मैसेज भेजा और शाम को जब घर आई तो प्यार से बात की रिश्ता ठीक होगा जिस तरह से दूसरे के फोन पर मैसेज जाता है उसी तरह से हमारा थॉट दूसरे तक जाता है हमें लगता है मैंने सुबह भी अच्छे से बात की थी शाम को वो घर आई तब भी मैंने अच्छे से बात की मैंने तो उठ के चाय भी मैंने ही बना के पिलाई खाना भी मैंने ही खिलाया रात को भी मैंने ही अच्छे से गुड नाइट किया फिर भी वो ठीक से बात नहीं कर रही है क्योंकि मैंने ये नहीं काउंट किया कि सारा दिन मैंने क्या भेजा तो गांठे कहां बनी थी गांठे कहां बनी थी मैंने जो उस आत्मा के प्रति सोचा क्योंकि उसका व्यवहार मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट के अनुसार नहीं था इससे अच्छा तो होता कि हम प्यार से उनको कह ही देते इससे अच्छा प्यार से कह देना चाहिए लेकिन अंदर से नहीं कहना चाहिए अगर अंदर सोचेंगे कुछ और ऊपर से बोलेंगे कुछ और तो दो डिफरेंट एनर्जीज जा रही हैं किसी को। अब वो जो पिट में सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो गई है उसको क्लीन करने के लिए कितने लोग चाहिए एक पक्का तो हम रेडी हैं वो एक बनने के लिए क्या होगा एक एक फर्स्ट व्हाइट भेजेगा एक फर्स्ट व्हाइट भेजेगा सामने से अभी भी ब्लैक चल रहा है तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैंने अभी अभी वाइट भेजा और वहां से तो वो एकदम वाइट ही हो जाएंगे सारे हम वाइट क्यों भेज रहे हैं हम वाइट क्यों भेज रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है हम अच्छा क्यों सोच रहे हैं हम अच्छा क्यों सोच रहे हैं क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं और हम इस रिश्ते को अच्छी वाइब्रेशन देना चाहते हैं वो करते समय भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो इमिजिएटली चेंज हो जाएंगे सामने वाले की बीमारी कितनी पुरानी है वी डोंट नो लेकिन इलाज शुरू हो चुका है इलाज तो शुरू हो चुका ना पहले तो हम क्या कर रहे थे चोट पे चोट पे चोट पे चोट पे चोट बेच पे रहे थे अब हम क्या कर रहे हैं चोट के ऊपर सही थॉट अब सही थॉट क्या होगी जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे वट विल बी द राइट थॉट वट विल बी द राइट थाट क्या सही थाट होगी जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सारा दिन याद रखना है हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर है आज इस शरीर में उससे पहले एक और शरीर में उससे पहले एक और शरीर में उससे पहले, उस पहले एक और बहुत लंबी जर्नी है इस सारी लंबी चढ़ने पर अलग अलग शरीर अलग अलग फैमिली अलग अलग वातावरण अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग संस्कार हर आत्मा पर कितने सारे संस्कार होंगे एक जीवन काल में देख लो सिर्फ फैमिली अलग परिस्थिति अलग वातावरण अलग संस्कार अलग क्या कोई दो लोगों की परिस्थितियाँ एक जैसी हो सकती हैं वातावरण एक जैसा हो सकता है नहीं तो संस्कार भी अलग अलग बनते हैं जब एक जीवन में अलग अलग हो सकता है उससे पहले अलग उससे पहले अलग उससे पहले अलग तो क्या दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं हो सकते हैं एक्सपेक्टेशन तो रखना कि आपके संस्कार मेरे जैसे होंगे ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है इट्स लाइक एक्सपेक्टिंग कि जो सब्जी मुझे अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगेगी फेर फेर वो सब्जी है ही अच्छी सबको अच्छी लगनी चाहिए राइट जरूरी नहीं है क्यों तो सब्जी अलग अलग टेस्ट चॉइस हो चलेगा रंग अलग अलग अच्छे लोगों को लगे वो चलेंगे सबको एक ही रंग अच्छा लगना चाहिए नहीं सबकी अलग अलग चॉइस होगी बट आई एक्सपेक्ट के सबको सेम रंग अच्छा लगे नॉट पॉसिबल अच्छा वेरी गुड तो मेरा एक्सपेक्टेशन रखना मेरा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है अभी तो थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था एक्सपेक्टेशन रखना बहुत नॉर्मल है अगर मैं सिर्फ सब्जी का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती कलर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती आप तो सारा दिन संस्कारों का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं कौन सा ज़्यादा इजी है संस्कार मैच करना या सिर्फ कलर की चॉइस मैच कर लें तो अगर मेरा कलर की चॉइस मैच करना एक्सपेक्टेशन सही नहीं है तो संस्कारों की एक्सपेक्टेशन रखना संस्कारों की एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है तो एक्सपेक्टेशन रखना एक्सपेक्टेशन रखना बताइए इट्स अ ह्यूमन नेचर किसने बताया नहीं डॉक्टर है बिल्कुल राइट बात है किसने बताया कि एक्सपेक्टेशन रखना इज ह्यूमन नेचर लेट्स चेक ना खुद चेक करते हैं क्या सुना क्या पढ़ा क्या देखा उसको साइड पर रखते खुद को चेक करते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके संस्कार मेरे को पसंद आने चाहिए वो मेरे अनुसार होने चाहिए दिस इज नॉर्मल हर एक की सोच अलग अलग होगी बट हरेक की सोच एक जैसी होनी चाहिए हाँ हरेक की सोच एक जैसी होनी चाहिए हाँ नहीं हरेक की सोच अलग अलग होगी नॉर्मल क्या है अलग अलग होना नॉर्मल है आप तरफ एक तरफ से कहते हैं हरेक की सोच अलग अलग होना नॉर्मल है दूसरी तरफ से कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखना कि उनकी सोच मेरी जैसी होगी वो नॉर्मल है नॉर्मल की डेफिनेशन चेक करके फिट हो गई ना सारी गांठे खुल जाएंगे सारी गांठे खुल जाएंगे गांठे पड़ी ही इस बात के लिए है कि लोग मेरे अनुसार होने चाहिए एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है ह्यूमन नेचर है कहा लिखा कहा लिखा है किसने बताया सब लोग बोलते हैं तो हमने भी क्या कर लिया बिलीव कर लिया हमने कभी भी रुक के इंट्रोस्पेक्ट करके चेक ही नहीं किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं कि लोगों के संस्कार मेरे साथ मैच होने चाहिए उनके क्यों मेरे साथ मैच हो मैं अपने उनके साथ मैच कर देती हूँ तो भी सब ठीक हो जाएगा तो लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें इससे अच्छा हम ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीट कर लेते हैं ना तब भी घर स्वर्ग बन जाएगा रेडी